तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो देखो, एक बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। द सम ऑफ द सीरीज 1 + 3 + 5 + 7 दिख रहा है, ओड नंबर या पहले इसका सम हम लोग फॉर्मूला जानते कि n स्क्वायर होता है, लेकिन यह जानने की इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तभी बात बनेगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, तो चलो देखो, हम लोगों को अंतिम टर्म पता है यानी लास्ट टर्म को n कहते हैं या l कहते हैं, जो कि हम लोग के पास है 99। और n के लिए फॉर्मूला खूब पढ़े हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इज इक्वल टू 99। ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या है अपना, 1 है, और n तो निकालना ही है। डिफरेंस कितना का जा रहा है, तो 2 का डिफरेंस जा रहा है, इंटू 2 इज इक्वल टू 99, और n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 99। प्लस का 1 इधर है तो माइनस का 1 हो गया, n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 98, और ये 2 से 49 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, और n माइनस 1 इधर 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 देखो ध्यान से इज इक्वल टू 49, n इज इक्वल टू आ जाता है 50। माइनस 1 इधर जाकर के हो जाता है प्लस 1, यहाँ पर माइनस 1, जब इधर आया तो प्लस 1, यानी n का वैल्यू आ जाता है 50। अब तो निकालना आसान है, फॉर्मूला खूब पढ़े थे, n स्क्वायर यानी कि आंसर v राइट हो जाएगा, यानी कि 50 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो आ जाएगा 2500, और ये आंसर होगा। अगर हम लोग ये फॉर्मूला नहीं याद रखते तो कैसे बनाते, तो हम लोग ऐसे बनाते। दो और तरीका हो सकता था, एक एसएन बराबर फॉर्मूला है एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला भी बनाते, n निकालना ही होता तो n की जगह पर हम लोग 50/2 इंटू 2 इंटू ए, मतलब फर्स्ट टर्म 1 है, प्लस 50 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना का है, 2 का है, और इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर जो आएगा वह 2500 ही आएगा। दूसरा तरीका है, हम लोगों को लास्ट टर्म पता होता है तो डायरेक्ट एसएन बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़ क्या है, एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन लास्ट टर्म, तो इस फॉर्मूला से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और इससे भी आंसर वही आएगा। ये बनाकर देखो और कमेंट करना, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।